students, how are you? Fine. Okay, now today we are going to see a calendar. First of all, in each and every house, घर के अंदर सबके घर में कैलेंडर होगा होगा और होगा. क्लॉक एंड कैलेंडर बोथ, राइट? कैलेंडर के बिना हमारा काम नहीं चलता है. एवरी डे व्हेन यू गेट अप एंड एवरी डे यू सी द फर्स्ट ऑफ ऑल विच डे टुडे, विच डे इज टुडे, राइट? तो कैलेंडर के बिना हमारा काम नहीं चलता है, राइट? तो यहाँ पे हम कैलेंडर देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलेंडर देखने के लिए, मतलब मंथ और मंथ के डेज देखने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी डेज इन अ मंथ, एवरी ईच एंड एवरी मंथ हैव अ डिफरेंट डेज, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू काउंट द डेज एंड हाउ टू रिमेम्बर, आप कैसे याद रखोगे डेज को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, योर हैंड्स, फोल्ड योर हैंड्स लाइक दिस वे, योर फिंगर्स और लाइक दिस वे, और यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, राइट? इस तरह से आप सब अपना हाथ कीजिए और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. तो कैसे होगा, यहाँ पे ये फर्स्ट जो ऊपर है, अगर आपके पास, अगर मैं यहाँ पे ये जो है हमारा हैंड जो है ऐसे होगा, वन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगेन आगे आना है जुलाई, देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो ईयर सी, ईयर जनवरी, तो जनवरी के 31 डेज जनवरी, देन फेब्रुआरी के नहीं आएंगे, फेब्रुआरी, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देन जुलाई से अगेन आगे आएंगे, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट? तो ये जो है 31 डेज एंड ईयर 30 डेज, राइट? सो सितंबर, अप्रैल, नवंबर, जून, इन सबके कितने डेज, 30 डेज, और जनवरी, अगस्त, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, इनके कितने डेज, 31 डेज, राइट? सो ईयर सी, जनवरी हैज 31 डेज, फेब्रुआरी के 28 और 29 होंगे, ये डिफरेंट है. सो ये आपको याद ही रखना है कि फेब्रुआरी के 28 और 29, व्हेनेवर लीप ईयर, जो ईयर लीप ईयर होता है उसके 29 होते हैं और जो बाकी क्या होते हैं 28 होते हैं. मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड दिसंबर 31, राइट? सो ईयर वी सेपरेट इट, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 डेज एंड जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर हैव अ 31 डेज, राइट? नाउ सी द कैलेंडर इन योर टेक्स्ट बुक, कैलेंडर आर गिवन, बट हियर वो जो है वो डिफरेंट, मतलब 18 की साल का है, बट हम यहाँ पे जो है, मेरे पास जो है कैलेंडर 2021 का है. सबके घर में ऐसे कैलेंडर है, तो प्लीज टेक अ कैलेंडर, अपने हाथ में कैलेंडर लीजिए और फिर चेक करो. तो जैसे कि ये कैलेंडर है और यहाँ पे आपको देखो 2021 जनवरी, और यहाँ पे हमारा जो गुजराती जो कैलेंडर होता है उसमें तो सब तिथि भी देते हैं, राइट?
तो इसके अंदर आपको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और यहाँ पे डेज दी गई है। तो जैसे ये जनवरी मंथ का है तो यहाँ पे फ्राइडे फर्स्ट डे है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन। अब यहाँ पे देखो ये पब्लिक हॉलीडे, 14 मीन्स 14 जनवरी उत्तरायण, तो यहाँ पे ये कलर में दिया, इसलिए कैलेंडर में जब भी हम चेक करें तो तुरंत पता चल जाएगा कि ये दो दिन हमारी क्या होगी, हॉलीडे होगी या पब्लिक हॉलीडे होगा। राइट, ईयर 26 जनवरी, तो 26 जनवरी इज अ रिपब्लिक डे। राइट, तो इस दिन हॉलीडे नहीं होता बट हमें सुबह क्या करने जाना पड़ता है, फ्लैग होस्टिंग के लिए। तो इसी तरह से ये जो मंथ कैलेंडर जो है वो इससे हम सब चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जो डेट है इसके डेट में हमें क्या है, संडे है। राइट, फिर हमारी जो पब्लिक हॉलीडे जैसे कि उत्तरायण है, तो उत्तरायण कौन से दिन है, थर्सडे के दिन है। कैलेंडर का यूज, अब कैलेंडर जो है वो कैलेंडर से हम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें प्लानिंग करने में इजी रहता है। जब भी कैलेंडर अगर हमें आगे का प्लानिंग करना है तो कैलेंडर में हम चेक कर सकते हैं कि भाई चलो ये दिन को, ये डेट को, ये दिन आ रहा है तो मुझे ये दिन ये करना है, तो हम आगे से प्लानिंग कर सकते हैं। हमें पिकनिक जाना है, एग्जाम प्लानिंग है, राइट, बहुत सारे ऐसे प्लानिंग है, फैमिली फंक्शन होता है तो अगर फैमिली फंक्शन हमें रखना है और वैकेशन में रखना है तो हम उस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जनवरी, फिर फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे पूरे ईयर्स का यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे जैसे जुलाई, देन अगस्त, अभी जो है वो हमारा सितंबर मंथ चल रहा है। राइट, तो सितंबर मंथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10 देखो, 10 है तो 10 को क्या था, गणेश चतुर्थी थी। राइट, नाउ सी अक्टूबर, अब अक्टूबर जो मंथ है ये अक्टूबर मंथ है, तो अक्टूबर मंथ यहाँ पे है, अक्टूबर मंथ में यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो पार्ट में हम देखते हैं। नाउ सी इन योर स्कूल, हमारे स्कूल में भी ऐसा आपको कैलेंडर मिलता है। राइट, एवरीवन गॉट इट इन 2019 में आपको मिला होगा, नहीं सॉरी 20 में, राइट, 19 में मिला होगा, 20 में हम घर पे थे और ये तो ये भी 1920 का ही है। राइट, तो यहाँ पे आपका जो स्कूल में से देते उसमें भी सब कुछ मेंशन होता है, तो इस कैलेंडर की वजह से आपको सब कुछ पता चल जाता है, आपकी एफ ए की टेस्ट कब आएगी, ऑल स्कूल में जो भी एक्टिविटी है वो आपको पता चलती है, ऑल फेस्टिवल्स कब आएंगे, वैकेशन आपका कब आएगा, ऑल आर मेंशन इन दिस कैलेंडर। राइट, तो इससे आपको सब कुछ मिल जाता है, मीन्स कैलेंडर के अगर हमारे पास हो तो हम हमारी जो लाइफ है, हमारा जो शेड्यूल है बहुत हमारा इजी हो जाता है। राइट, अब यहाँ पे कैलेंडर के अंदर आपको क्या क्या चेक करना है, ईयर अक्टूबर 2021 का कैलेंडर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। राइट, तो अभी फर्स्ट डे कब आएगी, फ्राइडे को, देन सेकंड डे सैटरडे, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे पूरा जो मंथ है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। नाउ सी इन संडे 31, 3, 10, 17 and 24, तो संडे कब आएगा, ये डेट को संडे है। नाउ सी सेकंड सैटरडे, सेकंड सैटरडे क्या है, सेकंड अक्टूबर क्या है, गांधी जयंती है। राइट, देन 15 को क्या है, दशहरा है। राइट, देन 19 को क्या है, तो के ईद है। राइट, तो इस तरह से कैलेंडर से हमें सब पता चल रहा है। नाउ हियर इज अ सम क्वेश्चन आंसर, गिव द डेज ऑन अ कैलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ डेज इन दिस मंथ, इन दिस मंथ हाउ मेनी डेज, 31 डेज। राइट, हियर आंसर इज द 31 डेज। ऑन व्हिच डे डज दिस मंथ एंड, ऑन व्हिच डे, डे पूछा है कौन से डे को ये मंथ फिनिश हो रहा है, एंड कब हो रहा है, तो 31 संडे। राइट, तो यहाँ पे आंसर इज अ संडे। व्हाट इज द डे ऑन द सेकंड सैटरडे, नाउ स्टार्ट द फर्स्ट, फर्स्ट डे से हम शुरू करेंगे तो ये फर्स्ट सैटरडे आया। राइट, देन
संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। तो सेकंड सैटरडे कब आया, कौन सी डेट को आया, नाइन्थ डेट को आया। तो यहाँ पे नाइन्थ डेट को आया, राइट। नाउ व्हाट इज, व्हाट डे इज इट ऑन द 13th अक्टूबर। 13th अक्टूबर को कौन सा डे, सो हियर सी 13 एंड देन ऊपर आप देखोगे तो वेडनेसडे, राइट। तो ये जो 6 को 13 को 20 को और 27 को ऑल डेज कौन सा है, वेडनेसडे, राइट। तो यहाँ पे आंसर आएगा वेडनेसडे। हाउ मेनी संडेज आर देयर इन दिस मंथ, हाउ मेनी संडेज, 1 2 3 4 5 इन ऑल मंथ, मतलब सब मंथ के अंदर संडेज या सैटरडेज की जो नंबर्स होते हैं मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। यहाँ पे 5 संडे, कभी कोई मंथ के अंदर 4 संडे होंगे, राइट। इस 2nd अक्टूबर सैटरडे, 2nd अक्टूबर को सैटरडे है, सो आंसर इज अ यस। सैटरडे को क्या है, 2nd अक्टूबर को क्या है, सैटरडे है, राइट। तो इस तरह से कैलेंडर के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, राइट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बाय बाय।